हम सभी के घर में कुछ हो ना हो लेकिन मंदिर तो होगा ही। शास्त्रों में घर में मंदिर होना बहुत शुभ बताया गया है। हालांकि वास्तुशास्त्र में घर में मंदिर रखने से पहले और मंदिर स्थापित करने के बाद के कुछ नियमों का भी उल्लेख मिलता है। इन्हीं नियमों में से एक ये भी है कि घर के लिए अगर मंदिर ले रहे हैं तो वह कैसा होना चाहिए। घर के लिए अगर मंदिर ले रहे हैं तो मार्बल से बना मंदिर ले या फिर घर में मौजूद पूजा वाले कमरे में ही पत्थर का मंदिर बनवाएं। घर में कभी भी लकड़ी से बना मंदिर नहीं रखना चाहिए, यानी कि घर में वुडन मंदिर होना अशुभ माना गया है। असल में लकड़ी से बना मंदिर अशुद्ध माना जाता है। ऐसे में अगर लकड़ी से बना मंदिर घर में स्थापित किया जाए तो इससे दोष लगता है और नकारात्मकता का घर में संचार होने लगता है। लकड़ी से बना मंदिर घर में दरिद्रता लेकर आता है। इसके अलावा इस बात का भी ध्यान रखने की जरूरत है कि घर के लिए जो मंदिर लिया जाता है उसमें शिखर यानी कि गुंबद नहीं होनी चाहिए। घर के मंदिर में शिखर या गुंबद होना अशुभ होता है। इससे घर की सुख समृद्धि चली जाती है। घर के लिए मंदिर लेते समय इस बात का भी ध्यान रखना जरूरी है कि मंदिर उतना बड़ा और खुला होना चाहिए कि मंदिर में रखी प्रतिमाएं आपस में टकराएं नहीं, क्योंकि चारों तरफ से बंद मंदिर या टकराती प्रतिमाएं तरक्की बाधित करती हैं। घर के लिए मंदिर जब भी ले तो उसके साथ एक चौकी अवश्य ले। शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि जिस प्रकार घर और घर के अंदर तिजोरी होती है, ठीक ऐसे ही मंदिर और मंदिर के साथ चौकी लेना घर में मां लक्ष्मी को स्थापित करने के समान है। आप भी इस लेख में दी गई जानकारी के माध्यम से यह जान सकते हैं कि आखिर घर में वास्तु के अनुसार कैसा मंदिर रखना माना जाता है शुभ और क्या है उसके पीछे का तर्क। अगर हमारी स्टोरीज से जुड़े आपके कुछ सवाल हैं तो वो आप हमें आर्टिकल के नीचे दिए कमेंट बॉक्स में बताएं। हम आप तक सही जानकारी पहुंचाने का प्रयास करते रहेंगे। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी है तो इसे शेयर जरूर करें। ऐसी ही अन्य स्टोरी पढ़ने के लिए जुड़ी रहें हर जिंदगी से।